दोस्तों कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले जो है हम जो कल फिश लेके आए थे उनको हम जो है वो फिश पॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे, और जो फिश पॉन्ड में मछली के बच्चे थे उनमें से कुछ बच्चों को हम जो है अपने फिश एक्वेरियम में शिफ्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे फिश के बच्चे हैं वो नीचे थोड़ा सा, क्योंकि एक्वेरियम हमारा खाली पड़ा हुआ है तो हम उसमें थोड़ा सा उसमें क्राउडेड करने के लिए हम उसमें ऐड कर देंगे, और बाकी जो हमारी मछलियां हैं वो ऊपर जो है वो नेचुरल एनवायरमेंट में रहेंगी तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। हमारी जो ट्विन सिस्टर्स थी वो वापस तो बीमार सी हो गई हैं, थोड़ी सुस्त हुई हैं, तो इनके लिए जो है वो हमें वापस ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। बीच में काफ़ी हद तक सही हो गई थी तो मैंने रोक दिया था। अब मैं इनको जो है वो लहसुन और प्याज दूंगा, ये डेली बेसिस पे खाएंगी तो इससे वापस जो है वो एक्टिव हो जाएंगी और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बीच में मैंने रोक दिया था कि भाई अभी इनकी जो तबीयत थी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, खा पी भी सही से रही थी, तो मैंने रोक दिया था। खैर मैं अब इनको वापस ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। देखें कैसे शौक से प्याज खा रही हैं और काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ बच्चे जो हैं वो ले जाऊंगा, तो मैं डिब्बा लेके आ गया हूँ और इस डिब्बे में पानी भर लेते हैं। इसके बाद जो है इसमें हम कुछ बच्चे डाल देंगे, उनको नीचे शिफ्ट कर देंगे और नीचे जो मछलियाँ हैं उनको वापस ऊपर डाल देंगे। मैंने बच्चे डाल दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, देखें कितने बड़े बड़े हो गए। ये सारे के सारे बच्चे जो हैं इसी घर के हैं, उसी फिश पॉइंट में जो हैं ये सारे ग्रो किए हैं। मैं भी इनको नीचे ले चलता हूँ, मैं नीचे ले आया हूँ। अब मैं इनको जो है वो फिश एक्वेरियम में डाल दूँगा, मैं इनको डाल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये मैंने सारे बच्चे डाल दिए, सारे आ गए। और जैसे ही अब हम इन बच्चों को जो है थोड़ी देर यहीं छोड़ देंगे, उसके बाद जो है मछलियाँ हैं हमारी वो मछलियों को हम अपने फिश पॉन्ड में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो मछलियाँ हैं वहाँ पे अच्छे से ग्रो करेंगी। अब हम सनी के पास आ गए हैं, सनी का जो भी रूटीन वर्क है खाना पानी हम वो देंगे, उसके बाद हम अपनी फ़िश को जो है वो वापस ऊपर ले आएंगे, फ़िश पॉन्ड में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर दो जालियाँ भी लगा दी थी, रैबिट भी सही हैं, डक्स भी सही हैं, हमारा कालू भी सही है, सिल्की विल्की सब सेट हैं। ये देखें ये जालियों को अटका दिया था, इससे मुर्गियाँ अंदर भी जा रही हैं। ये हमारा जो छत थी हमने वो छत बना ली है और इसको हम आजकल में इंशाल्लाह इसके ऊपर रख देंगे। ये हमारा जो कोई का फिश एक्वेरियम है, रात में हमारा छोटा एक्वेरियम भी रेडी हो गया है, इसमें भी कोई फिश डालेंगे। ये देखें इसमें वैसे तिलेबिया डालने का प्लान है कि उसमें हम तिलेबिया डाल देंगे। ये देखें सारे बच्चे झुंड बना के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरे ख्याल में फ़िश पॉइंट से ज़्यादा खुश यहाँ पे हैं ये लोग। ये देखें सारे झुंड बना रहे, फ़िल्टर भी चला दिया मैंने। ये देखें सारा झुंड बना बना के चल रहे, ये बच्चे भी यहीं रहेंगे। और फ़िश मैंने जो है वो निकाल लिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें सारे बच्चे जो है ना झुंड बना के चल रहे, फ़िल्टर भी चल गया, ऑल ओके की रिपोर्ट है इस वक्त, सारी चीज़ें सही हैं। ये बच्चे यहीं पर रहेंगे अब, बाकी आधे बच्चे वहीं पर हैं। ये देखें ये फ़िश मैंने आपको जैसे बताया था मैंने निकाल ली है सारी फ़िशें। इसमें सनसेट प्लेटी है, मौली है, बलून मौली है और मूनटेल मौली है, तो ये सारी जो है वो हम छत पे ले चलेंगे और अपने फ़िश पॉन्ड में डाल देंगे। वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी और बच्चे वगैरह भी सही से देंगी। ऊपर आ रहे ये देखें, इन सबको जो है हम फ़िश पॉन्ड में डाल देंगे। ये देखें और जो हमारी तिलेबिया है उसको हम वापस नीचे ले आएंगे अपने न्यू एक्वेरियम में, मगर वो आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। अभी जो है मैं ले चलता हूँ आपको, ये देखें ये आ गया हमारा फिश पॉन्ड और मैं इसमें अब इनको डाल देता हूँ। ये देखें मैंने इसमें डाल दिया है, पानी थोड़ा कम हो गया है तो पानी भी अभी मैं इसमें ऐड करूँगा। ये देखें सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, पाइप मैंने लगा दिया है। अब मैं इसका पानी थोड़ा सा भरा रहा हूँ क्योंकि पानी कम हो गया था, तो इसका पानी भर जाएगा। आज के लिए इतना ही है, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।